दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 2078 नए मामले के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,35,013। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2078 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,013 हो गई है। बिहार में फिलहाल 19,259 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। सड़क दुर्घटना में हुई राजद नेता विजेंद्र यादव की मौत, रांची मिलने गए थे लालू यादव से। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने रांची गए पूर्व जिला पार्षद सह राजद नेता बिहड़ा थाना के बिजलपुर निवासी विजेंद्र यादव की मौत रांची से लौटने के दौरान हाजाड़ी बाग में सड़क दुर्घटना में हो गई। विजेंद्र यादव आगामी विधानसभा चुनाव में महिषी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की अपनी दावेदारी हेतु 3 दिन पूर्व पटना गए थे, जहां से वे रांची लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। रांची से लौटने के दौरान हाजाड़ी बाग के समीप सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। सीटों का बंटवारा महागठबंधन में अटका, कांग्रेस छोड़ किसी को भाव नहीं दे रहा है राजद। राजद और कांग्रेस में सीट बंटवारे की सहमति लगभग बन चुकी है। वाम दलों से दोस्ती के लिए भी राजद पूरी तरह से तैयार है। अड़चन सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP को लेकर आ रही है। दोनों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं से राजद कांग्रेस असहज है। अलगाव का हाल यह है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद दोनों से मिलना जुलना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य घटक दलों के नेताओं से दूरी बना रखी है। अररिया ने बोगस वोटिंग रोकने को दिखाई राह, मॉडल पूरे बिहार में होगा लागू, ट्रेनिंग का दिया निर्देश। EVM और EPIC के दौर में भी बिहार में बोगस वोटिंग की शिकायतें आती है। विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक नया मॉडल लागू किया जा रहा है। अररिया ने राह दिखाई है। लोकसभा चुनाव में अररिया जिले की तत्कालीन SP धूरत सयाली सावलाराम ने यह मॉडल लागू किया। इससे सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील अररिया में न सिर्फ दूसरे के नाम पर मतदान घट गया, बल्कि ऐसी कोशिश करने वाले 3 दर्जन लोग अभी तक मुकदमा झेल रहे हैं। बिहार के सीमांचल में नरेंद्रपुर पूर्णिया फॉरनेल सड़क 1324 करोड़ से बनेगी। बिहार के सीमांचल में 1324.63 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पूर्णिया नरेंद्रपुर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए जारी निविदा को 3 माह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नवगछिया में 2 की हत्या, BSF जवान की पत्नी समेत दोनों का शव बाथरूम से हुआ बरामद। भागलपुर के नवगछिया के अभिया गांव में शनिवार की देर रात BSF जवान सुबोध मंडल की पत्नी समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस रविवार की अलसुबह शव को बाथरूम से बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम संबंध को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। इस संबंध में पुलिस 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। अभिया गांव के स्कूल टोला निवासी BSF जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी एवं पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू को नजदीक से गोली मारी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश से की लोकल खिलौने बनाने की अपील। PM ने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्वों का एहसास है। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। PM ने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाएं। लालू प्रसाद का मैसेज लेने तेज प्रताप के घर पहुंचे तेजस्वी यादव। दोनों भाइयों की डिनर पर हुई मुलाकात। राजद सुप्रीमो से रांची में मुलाकात के 2 दिनों के बाद भाई तेज प्रताप के घर डिनर पर पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों की डिनर पर मुलाकात की फोटो मीडिया में आते ही बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो उठा।
तस्वीर में उनके साथ एक और रिश्तेदार भी डाइनिंग टेबल पर दिख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच सभी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी के सभी सांसदों के साथ बैठक की। अब कांग्रेस पार्टी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 1 सितंबर से पूरे बिहार में वर्चुअल रैलियां करने का फैसला लिया है। भागलपुर में भोलानाथ अंडरपास पर नहीं बना फ्लाईओवर, 1110 मीटर बनना है। भोलानाथ अंडरपास के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पिछले 5 वर्षों में इसके DPR की ही स्वीकृति नहीं मिली है। इससे शहर की 2 लाख की आबादी को हर वर्ष बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 कोरोना मरीजों की मौत, आंकड़ा 71 पहुंचा। भागलपुर के JLNMCH में लगातार कोरोना मरीजों की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को भी 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। स्वजन इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक अस्पताल में कुल 71 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें भागलपुर जिले के 37 मरीज हैं। भागलपुर के इसाकचक में नया रेल कॉलोनी हाईटेक क्वार्टर में रहेंगे अब रेल कर्मी। भागलपुर जंक्शन के रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की रात सुविधाओं से लैस वाली क्वार्टर में कटेगी। शहर के इसाकचक इलाके में हाईटेक रेल क्वार्टरों का निर्माण शुरू हो गया है। यहाँ 2 BH और 3 BH का आवास होगा। इसमें हर तरह की सुविधाएं। अब पटरियों पर नहीं दौड़ेगी झाझा डिब्रूगढ़ साप्ताहिक ट्रेन, बंद होगा परिचालन। भागलपुर के झाझा से हर शुक्रवार को डिब्रूगढ़ तक चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस आने वाले दिनों में इतिहास बनकर रह जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दिशा में रेलवे ने पहला कदम उठाया है। अक्टूबर में जारी होने वाली नई समय सारणी की सूची से झाझा डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का नाम कट जाएगी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन की ओर से ट्रेन का परिचालन कैंसिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट GS रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, महाकुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 6। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। भागलपुर जंक्शन पर पैसेंजरों की नहीं सिर्फ गुड्स ट्रेन की आवाज़। भागलपुर जंक्शन पर हर दिन 90,000 के आसपास यात्रियों का आवागमन होता था। 24 घंटे स्टेशन पर यात्रियों की चहल पहल। लॉकडाउन के बाद स्टेशन पर सिर्फ मालगाड़ियों की आवाज़ गूंज रही है। भागलपुर जंक्शन से हर दिन 15 मालगाड़ियां गुजर रही है। इन मालगाड़ियों में आलू प्याज चीनी चावल से लेकर सरसों तेल तक की ढुलाई हो रही है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67170। बिहार के RJD नेता व गोपालगंज तिहाड़े हत्याकांड में JDU MLA के खिलाफ वकील के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने राष्ट्रीय जनता दल नेता एवं पूर्व सरकारी वकील रामनाथ साहू के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी है। रामनाथ साहू को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। खास बात यह है कि वे गोपालगंज के चर्चित JP यादव ट्रिपल मर्डर केस में वकील भी हैं। उस ट्रिपल मर्डर केस में जनता दल यूनाइटेड के विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे तथा भतीजा व जिला पार्षद मुकेश पांडे सहित 4 लोग आरोपित किए गए हैं। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी।
घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।